Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I welcome all the participants of this today's road show. मैं अपना एहसन खान साहब आप तिलावत कलाम पाक करेंगे या मैं करूं? तो मैं कर लेता हूं, कोई इशू नहीं जी, प्लीज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم। जज़ाकअल्लाह आमीन बिरहमती का या रब्बुल आलमीन। जैसा कि मैंने कहा, ये आज का जो हमारा रोड शो है, इससे पहले हम मुतअद्दिद रोड शो कर चुके हैं, जो कि आवर प्लान इज डिजिटल पाकिस्तान। डिजिटल पाकिस्तान की तमाम टीम की जानिब से मैं आपको खुशामदेद कहता हूँ आज के इस रोड शो में, जिसका मकसद हम डिजिटल पाकिस्तान एक ग्लोबल टेक समिट कराने जा रहे हैं, जिसका मेन मकसद ये है कि हम पाकिस्तानी कंपनीज और ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली जो हैं, उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेकर आएं कि जहां से वो ये बैठकर ये देख सकें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम पहले भी आईटी के सेक्टर में प्रॉपरली डेवलप नहीं कर सके, जिस तरह के हमारे नेक्स्ट डोर नेबर कंपटीटर बढ़े, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर का काम किया, हम शायद उनके 10% 5% भी ना कर सके। जब मैंने अपने तौर पर इसको देखना शुरू किया तो मेरे सामने ये चीज़ आई कि जो हमारे लेजिस्लेटर हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो शायद डिजिटलाइजेशन को, आईटी वर्ल्ड को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी अहमियत देनी चाहिए। दूसरा जो लेजॉन है बिटवीन द आईटी कंपनीज एंड एज वेल एज द लेजिस्लेटर द पॉलिसी मेकर द मिनिस्ट्री पीपल, उनके दरमियान वो नहीं है जो होना चाहिए, जैसा कि हम दूसरे शोबों में देखते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन, बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन, इवन एलीट ऑर्गेनाइजेशन जो बनी हुई हैं, जो बड़े बड़े लेवल की कंपनीज हैं उन्होंने अपने तौर पर बनाई हुई हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट लेवल पर रियासती अमूर के बीच में रखते हुए हल करा लेते हैं। लेकिन आईटी कंपनीज में जो बड़ी कंपनीज हैं, दे डैम केयर, वो तो मोस्टली लोग यहाँ पर रहते ही नहीं हैं, वो तो बाहर जाकर अपना काम कर लेते हैं। लेकिन जो SMEs हैं और बिलखसूस जो फ्रीलांसर्स हैं, जो छोटी कंपनीज हैं आईटी की, जो कुछ काम करना चाहते हैं, जो इंडिविजुअल जो चंद लोग मिलकर कंपनीज बनाते हैं, उनके मसाइल को कहीं भी उजागर नहीं किया जाता। तो आज का ये रोड शो उसी की एक कड़ी है कि हम आपस में मिलकर बैठकर कुछ ऐसे डिस्कशन करें, अपने आप को ऑन बोर्ड करें, एक ऐसे लेवल पर लेकर आएं कि जहां पर हम फिर फर्दर इसमें एक जो हमारी समिट होगी, जिसमें हमारा मकसद होगा कि हम एक रेजोल्यूशन पास करें और वो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट्स में भी लेकर जाया जाए, और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट के हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ से आईटी की पॉलिसीज बनती हैं, जहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी मूव होती है, इवन अप टू द लेवल ऑफ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। एक अच्छी खबर ये है कि प्रेसिडेंट साहब खुद इस वक्त में, इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, के वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे लेकर जाया जाए। एक स्पेशल मीटिंग प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने की, जहाँ पर मेरा भी जिक्र आया, उसमें चेयरमैन सेनेट थे, नेशनल असेंबली के स्पीकर थे, फवाद चौधरी एज मिनिस्टर जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस वक्त थे, वो मीटिंग अभी लास्ट मंथ थी, कुछ और एक दो मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट ने बुलाकर कहा, और उसमें यही कहा गया कि किसी तरह हम अपने पार्लियामेंट को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर आएं, मोस्ट डिजिटल बनाएं। और एक काम इमीडिएटली जो प्राइम मिनिस्टर ने कराया, दिस इज फर्स्ट टाइम एवर कि अब हमारी जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें कोई फाइलें नहीं जाती, उनके सामने उनके अपने आईपैड फिक्स हैं और उनके ऊपर सारा
सॉफ्टली डिजिटली उनके पास जाता है। और बहुत से मिनिस्टर्स जो हैं वो ये चंद महीनों में, एक आध महीना पहले से उन्होंने शुरू किया है, ये मेरे ख्याल में दूसरी या तीसरी मीटिंग हुई है, कि अब वो सारी चीज़ों को ईमेल के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू चला रहे हैं और उसको वो वहाँ पर लेकर चल रहे हैं। सो वी होप कि आने वाले वक्त में मुल्क में डिजिटलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और मैं आखिर में एक ऐड करता चलूँ कि जो हमारा डिजिटल पाकिस्तान नेटवर्क है, इसका जो एक रियल मानों में डिजिटल पाकिस्तान है, उसका मकसद पैसे कमाना नहीं है, उसका मतलब फंडिंग लाना नहीं है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम जो अवेयरनेस है डिजिटल वर्ल्ड की वो लेजिस्लेटर तक पहुंचाएं, और जो प्रॉब्लम्स हैं डिजिटल वर्ल्ड के लोगों के, पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनको लेकर जाएं और कोशिश करें कि हमारी यूथ उसकी एम्पावरमेंट हो थ्रू डिजिटलाइजेशन, थ्रू डिजिटल वर्ल्ड, और बिलखसूस जो वुमेन एम्पावरमेंट है, हम इन दो चीज़ों पर काम कर रहे हैं, यूथ एम्पावरमेंट एंड पार्शली द वुमेन एम्पावरमेंट जो उसी का एक पार्ट है यूथ का। तो दिस इज़ व्हाट मैं अपने तौर पर कहना चाहूँगा कि मुझे आप सब की एज अ पाकिस्तानी, एक सिंसियर पाकिस्तानी, जो हमारे आईटी के लोग हैं जो डिजिटल वर्ल्ड से अटैच हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाने का मकसद यही है। रबिया, ओवर टू यू प्लीज। फिर अगर मुझसे कोई सवाल होगा कर लीजिएगा, अदरवाइज वन बाय वन इंट्रोडक्शन। मेरा इंट्रोडक्शन ये है जी कि मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ, आई हैव स्टार्टेड विद स्क्रैच, राजा बाजार की एक दुकान से शुरू करके अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम रनिंग अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, वी आर इन डाइवर्सिफाइड फील्ड, और ये जो मेरा पैशन है वो मेरा प्रोफेशन नहीं है, लेकिन ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ये मेरा पैशन है। और आई बिलीव के जो गैजेट्स हैं, आई एम अ गैजेट लवर, आई ऑलवेज यूज द टेक्नोलॉजी द गैजेट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ मी माई सेल्फ एंड एज वेल एज माई ग्रुप ऑफ कंपनीज। जी रबिया, ओवर टू। थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट स्टार्ट। और यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने ज्वाइन किया। आप सब ये जो हमारा रोड शो है, ये इससे पहले हम 8 शहरों को कवर कर चुके हैं, पंजाब के बड़े शहरों को। इस दफ़ा हमने केपीए से मर्दान और एबटाबाद और पिशावर से इन्वाइट किया था आईटी कंपनीज को, और मुझे खुशी हुई कि आप सब यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं खुद, मेरा नाम राबिया नासिर महमूद है और मैं आज SDS को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, शालीमार डिजिटल सर्विसेज को। सो आप सब जब आपने कंपनीज अपनी स्टार्ट की होंगी तो ऑब्वियसली उसमें मुश्किलात भी आई होंगी और उसमें आपकी अलहदा एक स्ट्रेटजी भी रही होगी। सो आज मुझे खुशी होगी कि अगर हम सब जो है उस पर बात करें और फिर उसके बाद मॉडल ऑफ सर्वाइवल की तरफ बढ़ा जाए। तो सबके पास 3-3 मिनट्स हैं अपना इंट्रोडक्शन के लिए। एक चीज ऐड करूंगा, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हम इसको 2 राउंड्स में करेंगे। फर्स्ट राउंड में 2-3 मिनट में आप अपना, अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन करा दें, और एंड में फिर हम जाकर प्रपोजल्स ले लेंगे और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तो राबिया, वन बाय वन सबसे इंट्रोडक्शन ले ले, उनका अपना जाती भी और कंपनी का, प्लीज। जी, थैंक यू सो मच। सो एहसन साहब हैं एबटाबाद से, एक्सपेंड मोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस, और आप लोगों का मैं बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया इस रोड शो पर। मेरा नाम एहसन खान है, आई एम फ्रॉम एबटाबाद, आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉमसेट्स इन 2018, and it's been 1.5 year that I'm running my own digital marketing agency, and my company name is Expand More Digital Marketing Agency, aur jo core services hain wo usme graphics hai, web hai aur digital marketing hai, aur iske alawa SEO wagera different cheezon pe hum log kaam karte hain। aur Hyderabad jaisa ki chhota sa shehar hai, itna koi bada shehar nahi hai, aur technology ke hisab se bhi koi itna khaas nahi hai, ab grow kar raha hai अवेयरनेस जिस तरह लोगों की बढ़ती जा रही है। और कोविड ने एक चीज़ आप लोगों को, सब लोगों में, एक हमारे माशरे में एक चीज़ साबित की है कि फ्रीलांसिंग और इन चीज़ों की क्या वैल्यू है, वर्क फ्रॉम होम कैसे किया जाता है। उससे पहले जब फ्रीलांसर्स होते थे तो लोग उनको यही कहा करते थे कि ये शायद कोई फ्री लोग हैं, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये कोविड की वजह से थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट हुई है और अब हर लोग बंदा यही चाहता है कि वर्क फ्रॉम होम हो। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि
पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए फ्रीलांस इंडस्ट्री को आगे लेके जाना चाहिए, और बाकी ये है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे मेन चीज़ जो मैं समझता हूँ उसमें ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूव हो, हमें थोड़ा सा अपडेट रखा है, बिकॉज व्हेन वी ग्रेजुएट और उसके बाद जब हम इंडस्ट्री में आते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ तो कुछ और चल रहा है, जो हमने पढ़ा वो कुछ और था। तो ये मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारा थोड़ा एजुकेशन सिस्टम अपडेट हो जाए, जो लोग जो चीज़ें अभी मार्केट में चल रही हैं अगर वो हमें टाइमली पढ़ाई जाएँ तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और बस मेरा यही छोटा सा इंट्रोडक्शन है और यही छोटी सी एक सजेशन थी। थैंक यू वेरी मच। एहसन, आपने कहा कि एबटाबाद एक छोटा शहर है, सो लेट मी एड, व्हाइल टॉकिंग अबाउट द डिजिटल वर्ल्ड, हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक मुनासिब इंटरनेट और दूसरा कोई भी ऐसा गैजेट कि जिससे हम काम कर सकें। तो मेरी गुजारिश है और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त जो ड्रॉप शिपिंग है वो उसमें एबटाबाद इस जोन में नंबर वन है। इवन एबटाबाद में ड्रॉप शिपिंग की कंपनीज इस्लामाबाद से भी ज्यादा है। तो जस्ट शेयरिंग विद यू, इसलिए अल्लाह मेहरबानी फरमाए, बट एबटाबाद इज ग्रोइंग इन टेक्नोलॉजी वेरी फास्ट। जी नेक्स्ट, फैसल फरीद साहब हमारे साथ हैं। फैसल फरीद साहब अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए, वन बाय वन, जैसे कि सब इंट्रोडक्शन करा देंगे देन हम गुफ्तगू कर लेंगे टॉपिक पर, ज्यादा इजी रहेगा। यस, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल फरीद है। मेरी आवाज आप क्लियर आ रही है? परफेक्ट जी, आ रही है। ठीक है सर। सर मैं वरदान से बिलोंग करता हूँ और ऑर्नेट डिजिटल सॉल्यूशन के नाम से मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है। मैंने जो बेसिकली मेरी एजुकेशन है वो तो मैंने मास्टर सोशियोलॉजी में किया, क्योंकि आईटी की फील्ड से मेरा थोड़ा लगाव था, तो बस 2004 से मैं इसी भी फील्ड में लगा हूँ। वहाँ पर मैंने अपना एक सेटअप बनाए हुए काम करते हैं, हम वेब डेवलपमेंट पे काम करते हैं, इसके साथ डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, डिजाइनिंग में काम करते हैं। कुछ यूके के क्लाइंट्स हैं मेरे पास और यूएसए के क्लाइंट्स हैं और लोकली काम करते हैं। फर्दर आप जो मतलब तो हम डिस्कशन करेंगे, आपने जिस तरह का क्या है सजेशंस का वाले से, तो फिर वो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह करेंगे। जी जी सही। आमिर साहब आप अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए। आमिर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आमिर परवेज है, मैं कोड पैकेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बरदान से। हमारी कंपनी जो है वो असल में डिजिटल सर्विसेज, जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है, वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और डेस्कटॉप डेवलपमेंट की सर्विस। इसके अलावा जो हमारा मेन गोल है, सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं, हमारा मेन गोल ये है कि जो मर्दान के लोग हैं उनको अवेयरनेस दी जाए आईटी के हवाले से, ताकि जो हमारी आगे की जनरेशन है उनको इस बारे में नॉलेज हो कि व्हाट आईटी, तब आईटी कर क्या सकते। और इसके लिए हमारी कोशिश यही रहती है कि जितने भी हमारे पास जो आते हैं इंटर्नशिप के लिए, बट वी हैव सीन थ्रू द इयर्स के कोई भी बंदा जो इंटर्नशिप करने आता है, ही डजंट नो इवन, और तो उसके पास डिग्री होती है बट ही डजंट नो इवन अबाउट बट आईटी डज रियली। उनको ना इंटरनेट का पता होता है, ना उनको ये पता होता है कि व्हेन वी विजिट अ वेबसाइट, when we write that www or we write that https protocol, even uska unko nahi pata hota. To kahin na kahin hamare paas education ki jaise Ehsan bhai ne kaha ki thoda sa standard improve hona chahiye, to I would agree with that also. Aur aside from that, main is cheez ka kehna cha raha tha ki jo aaj is forum ka ek maqsad hai ki koi ek hi roop ke andar humko ye aisa koi idea de taki वो जो है इम्प्रूव हो सके, लोग थोड़ा सा अवेयरनेस इसके साथ आए लोगों को आईटी के हवाले से, और कोई ऐसा मतलब एक चीज़ हम बिल्ड करें जो एक पाकिस्तान के लेवल पर। तो देर आर लॉट ऑफ एरियाज के हम इम्प्रूव कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर को कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर को कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब हम सोशल नेटवर्क यूज़ करें, स्पेशली अगर हम मैं फेसबुक की बात करूँ,
या मैं व्हाट्सएप की बात करूं, ये जितनी भी सर्विसेज हम ग्लोबली यूज कर रहे हैं, वी शुड बिल्ड अवर ओन सर्विस लाइक दैट. जो प्राइवेसी हमारे खवातीन की जा रही वायर, उसको हम पाकिस्तान के अंदर ही कंट्रोल कर सकते हैं. हेल्थ सेक्टर जो है, या अभी जब हम जूम मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल, अगर हम जूम मीटिंग अरेंज कर रहे हैं तो वो भी हम कोई वायर की सर्विस अरेंज कर रहे हैं, और इसको हम भी पाकिस्तान के अंदर ला सकते हैं. जूम को हम अपना एक जूम बना सकते हैं, इसके लिए एक टेक्नोलॉजी है जो जिसपे इसके वजह से अब हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर, इसको कहते हैं वेब आरटीसी. एक ऐसा सर्विस हम बनाना चाह रहे हैं जो जूम का एक रिप्लेसमेंट, ऑब्वियसली इट इज अ ह्यूज नेटवर्क, वी कांट रिप्लेस दैट, बट जस्ट ऑन पाकिस्तान लेवल अगर हम, इफ यू कैन डू दैट, वी कैन प्रोवाइड सर्विसेज लाइक जूम और एट लोअर कॉस्ट टू अवर कॉर्पोरेट सेक्टर एंड अवर एजुकेशन सेक्टर, इट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट. तो आई वुड लाइक टू हैव multiple companies to work on that, what the WebRTC can does to our industry and what it brings to the table. So abhi hamara ek humne abhi test kiya iske upar aur wo hamara successful hai. We run through a video for 2-3 hours aur wo run hui. I can go on adding on the details what WebRTC is or wo kya kar sakti hai. There are a lot of things to talk about. I don't think AMX 3 मिनट के सेशन में इसको कंप्लीट कर पाऊंगा. बहरहाल जो मेरा आइडिया है, जिसके थ्रू जो मेरा एक गोल है कि हम अपने, हमारे जितने भी आईटी के स्टूडेंट्स हैं वो आगे आए, जो मेरा मेन गोल है. हमारे पास इंटर्नशिप के लिए लोग आते हैं तो उनकी एक बड़ी शिकायत क्या होती है, I'm really sorry to say that, लेकिन वो कहते हैं कि हमें इंटर्नशिप के लिए कुछ कंपनीज जो है वो हमें कहती हैं कि भाई आपने हमें पे करना, सो दैट इज नॉट अ गुड जेस्चर, सिंस आवर आईटी फील्ड इज ऑल अबाउट रिस्पेक्ट. सो कोई स्टूडेंट एक कोई चीज सीखना चाहता है तो ही हैज ऑलरेडी पेड फॉर दैट फॉर 4 years बाय लर्निंग द बीएस ऑफ आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस फॉर दैट. तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए. कोई बंदा आपके पास नॉलेज के लिए आता है, आपसे एक एनवायरमेंट मांगता है कि गिव मी दैट एनवायरमेंट, सो यू शुड प्रोवाइड हिम जब हम बड़े मसलों की तरफ देखते हैं तो और उसकी तरफ कदम उठाते हैं, पहला कदम उठाते हैं तो सोल्यूशन में भी जाते हैं. तो हमारे साथ हैदर अली हैं. हैदर अली साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन कराइए और इस फर्स्ट राउंड में हम 2 मिनट लें इंट्रोडक्शन के लिए, उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे, देन वी विल आस्क अबाउट सजेशंस and difficulties that we face while growing. तो ये request होगी मेरी बाकी participants से जो अपना introduction कर जिनके रहते हैं. So हैदर अली साहब, आप बताइए आप केबीसी की से कहाँ से. जी जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ये मेरा नाम हैदर अली है और CEO of IT Artificer Software Company. और 2011 से जो है मेरी कंपनी वो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं. आईटी बोर्ड से उनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है उनके साथ बेसिकली हम काम जो कर रहे हैं वो हम सर्विसेज दे रहे हैं, वेब डेवलपमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट. और साथ में जो है हम ये तकरीबन 3 साल हो गए हम अभी जो है स्टूडेंट की स्किल पॉलिशिंग के लिए हम ट्रेनिंग भी उनको दे रहे हैं. जो वो इस वजह से हमने इस चीज़ की जो है वो एक वजह ढूंढी की, इस वजह से हम अगर ये कर ले तो हम इंडस्ट्री को जो है अच्छे से बंदे जो है या एम्प्लॉयर या प्रोग्रामर या जिस फील्ड में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको लोगों को ये इंडस्ट्री को हम प्रोवाइड कर ले. उसकी वजह मेन वजह ये थी कि हर साल जो है तकरीबन 300-400 स्टूडेंट तकरीबन यहाँ पे KP में डिफरेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं जो को जिनकी टेक्निकल स्किल्स नहीं होती ना, तो इस वजह से हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया. और अगरचे हम उसकी पेमेंट लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम हमने उसकी पेमेंट रखी है ताकि वो स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्ट भी ले, क्योंकि जब वो पेमेंट देते हैं तो फिर उनकी इंटरेस्ट भी होती है और फिर वो सोचते हैं उस चीज़ पर, उसके लिए मजबूर बनाना पड़ता है उनको. और साथ में जो है उनमें से ज़्यादातर उसमें हम अपने साथ भी रख लेते हैं एज ए जॉब, और फिर दूसरे बंदे जिनको भी चाहिए होते तो हमसे कांटेक्ट करते हैं कि हमें अगर आपके
संबंध में कोई है या आपको कोई मालूम है तो हमारे पास इस तरह के फिर कॉन्टेक्ट बन जाते हैं, फिर हम उनको वो सोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन सिर्फ आई टी के पी इंडस्ट्री के लिए कुछ करने के लिए हमने ये चीज भी स्टार्ट कर ली जी। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। बहुत शुक्रिया जमील साहब, जमील खान साहब हमारे साथ, हमारे इंट्रोडक्शन करा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू एवरीवन हु अरेंज्ड दिस ज़ूम मीटिंग, फॉर बीइंग हियर एंड गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। माई नेम इज़ जमील खान, मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी रह चुका हूँ और आफ्टर कम्प्लीटिंग माई एजुकेशन अब्रॉड विच वॉज इन सऊदी अरेबिया, आई एस्टैब्लिश माई ओन आई टी कंपनी इन अहमदाबाद, इट्स कॉल्ड जेमन टेक्नोलॉजीज। वी ऑफर अ लॉट ऑफ डिजिटल सर्विसेज, मेनली वी आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। टिल नाउ रनिंग अ स्टार्टअप I have faced a lot of issues, but जैसे हमने यहाँ रखा है कि वो end में discuss करेंगे। So that is a brief introduction about me and my company. We established our company 1 year ago. Alhamdulillah, we have 20 plus employees right now, and we are trying to grow as fast as we can, but because of a lot of limitations, we are not able to. So that's a brief introduction about me and our company. Thank you so much. थैंक यू सो मच। हमारे साथ रहमत अली रहमतुल्ला हैं। रहमतुल्ला साहब आप अगर कैमरा ऑन कर दें और अपना इंट्रोडक्शन करा लें। रबिया मुझे सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी जी आपको सुन पा रहे हैं। ये बना हुआ है। ओके जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। एक सेकंड बेटा मुझे दीजिएगा। रबिया ये कौन से अकाउंट से लॉग इन किया आज? हेलो रबिया जी, जो आपने लिंक भेजा था। नहीं फिर ये कोई लास्ट वीक जो हमने किया था वहां से, जब हम लास्ट वन नसिया गली वाला कर रहे थे तो उसमें जी वही वाला ये। नहीं तो नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है। वजह क्या है? वो तो हमारा ऑफिशियल पेड अकाउंट है, तो ये क्यों कह रहा है कि जी आफ्टर 5-10 मिनट्स दिस विल बी द सेशन विल बी एक्सपायर। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग जा रही है तो हम नेक्स्ट लिंक क्रिएट कर लें अभी फिलहाल, अदरवाइज ये वही लिंक है। क्लियर कर जी, मैं करता हूं लेकिन जी जी। सो हमारे साथ रहमतुल्ला है साहब, जैसे अगर मीटिंग एंड हो तो दोबारा हम आपको लिंक भेज देते हैं। तो रहमतुल्ला साहब आप बताइए इंट्रोडक्शन अपना करिए। अच्छा जी, मैं रहमतुल्ला है और मैं कंपनी रन कर रहा हूं आईटी सॉफ्टहेड आईटी सॉल्यूशंस के नाम से। मैंने स्टार्ट लिया था 2018 में पेशावर से, और उसका मकसद ये था कि चूंकि मैं स्टार्ट से ही आईटी में इंटरेस्टेड था और अपने प्रोजेक्ट्स तो कर रहा था, लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और मैंने देखा कि इवन जो लेक्चरर्स है वहाँ पे तो वो इस फील्ड में उस तरह से प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब उनको मार्केट का उस तरह से अंदाज़ा नहीं है। वही आज यूनिवर्सिटीज में HTML CSS वगैरह पढ़ा रहे होते हैं। तो मैंने चूंकि अपना एक सर्कल बना लिया यूनिवर्सिटी में 10-15 बंदों का, और उनको वहीं पे थोड़ा बहुत गाइड करना शुरू कर दिया। इस तरह से वो सर्कल ग्रो होना शुरू हो गया, और फिर मुझे वहां पे टाइम देना सही नहीं लग रहा था। मैंने उसके लिए ऑफिस खोला, मकसद ये था सिर्फ के किसी भी तरह से जो है अपने ये जो फ्रेंड सर्कल है या जो बाकी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है इनको मार्केट डिमांडेड स्किल्स के बारे में एटलीस्ट समझाया जा सके। उसके साथ ही फिर वही कारवान बनता गया और बहुत सारे एम्प्लॉयज भी आते गए, सर्विसेज हमारे बढ़ गए डिजिटल। उसमें हमारे पास वेब रिलेटेड है, SEO ASO जो फील्ड है हमारा, इसी तरह ऐप और गेमिंग, बहुत सारे सर्विसेज हम प्रोवाइड करने लगे और साथ ही कोर्सेज और ट्रेनिंग्स अभी तक हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर वहाँ पर भी चूंकि मामला मुश्किल होता गया, यहाँ मर्दान से मैं खुद बिलोंग करता हूँ और मर्दान से बहुत ज़्यादा क्वेरीज आने लगी हैं, तो वहाँ से फिर स्टूडेंट्स को मसला होता था आने में, हॉस्टल लेना पड़ता था। तो भी अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 मंथ्स हो गए कि मैं मर्दान में भी एक दूसरा ब्रांच रन कर रहा हूँ और दोनों में अपना स्टॉप भी बैठा होता है। तो यही हमारा एक शॉर्ट सा जर्नी था। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स है तो वो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो मेन आईटी के बिजनेस में मुझे प्रॉब्लम्स लग रही है वो है HR के साइड।
आप जो हैं अपने एम्प्लॉइज की जो मैनेजमेंट होती है उसमें अक्सर हम फंस जाते हैं और एक एम्प्लॉय को ये एक बड़ी मेन चीज एग्जैक्टली तो इसको इन डिटेल में चाहता हूँ हम डिस्कस करें बात रह गए इनसे इनसे जरा इंट्रो ले लें थोड़ा सा जी जमील भाई क्विकली जमील खान सब तो हो इंट्रोडक्शन हो गया है हमारे साथ अरीब हैं जी अरीब का रहता है अरीब इनोवेशन से हैं अरीब बात हाँ जी जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस रोड शो मेरा इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है कि मेरा नाम अरीब खान है एंड आई एम पाकिस्तानी 17 ईयर ओल्ड 10th ग्रेड स्टूडेंट इसके अलावा मैं एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हूँ पाकिस्तान यंगेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट 4th यंगेस्ट सर्टिफाइड एथिकल हैकर ऑफ पाकिस्तान सिस्को सर्टिफाइड एसोसिएट माइक्रोसॉफ्ट आई एक्सपर्ट और इसके अलावा मैंने 240 से ऊपर ट्रेनिंग कम्प्लीट की हुई मेरे पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका इसके साथ साथ मैं एक डिजिटल सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहा हूँ अरीब इनोवेशंस के नाम से जिसमें बेसिकली हम डिजिटल सर्विसेज सेल करते हैं जिसमें हमारे पास डेवलपमेंट है ग्राफिक डिजाइनिंग है एसईओ है कंटेंट राइटिंग वगैरह ये तमाम सर्विसेज जो है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड हम सेल करते हैं और हम फाइवर अपवर्ड पे भी ज्यादातर काम करते हैं इसके साथ साथ हमारे पास कुछ कंपनीज है जो सऊदी अरेबियन कंपनीज है दुबई की कुछ कंपनीज है और सिंगापुर की कंपनीज है जो उनका हमारे साथ उनका हम एनुअली कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वेब डेवलपिंग का लेते हैं हम ग्राफिक डिजाइनिंग का लेते हैं तो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम उनका जो है वो उनके जितने भी पूरे साल के जितने भी ऑर्डर होते हैं वो हम कंप्लीट करके देते हैं इसके साथ साथ मैं मेरा जो मिशन है वो डिजिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पाकिस्तान को डिजिटलाइज करना पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को अगर देखा जाए दूसरी कंट्रीज के बनस्बत हम काफी ज्यादा पीछे हैं एजुकेशन में मैं ये मेरा जो मिशन है वो ये मैं देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी स्कूल में बच्चों को बताया जाए कि फ्रीलांसिंग होती क्या है यहाँ तक कि हमारे स्कूल में जो अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल के टीचर्स होते हैं उनको भी नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या होती है तो बच्चों को क्या पता होगा हमारे हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो यंगस्टर को चाहिए कि स्पीड में ज्यादा से ज्यादा आए अपने फ्रीलांसिंग की तरफ ज्यादा से ज्यादा आए ताकि वो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में पता लगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में उनको पता लगे कम एज में उनको बिजनेस की तरफ आना चाहिए अच्छा मेरा जो ड्रीम है पाकिस्तान को एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान देखना चाहता हूँ एक ऐसी कंट्री जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हुई हो और एक ऐसी कंट्री जहाँ पे लोग जो है वो लोगों के साथ में बैठे तो कोई पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है तो कोई क्रिकेट के बारे में बात करता है कोई किसी और चीज के बारे में बात करता है मैं चाहता हूँ कि बेशक वो अपनी बात करें लेकिन वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जरूर बात करें वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जरूर बात करें ताकि लोगों का जो लव है वो एंटरप्रेन्योरशिप के साथ भी ज्यादा हो थैंक यू सो मच Nice to know and बहुत अच्छे तरीके से आपने passionately अपना जो है ना thought को बयान किया and we all हमारी सबकी wishes भी आपके साथ होंगी आप सर हमें बता दें क्या हम जो next round है वो start करें जिसमें हम problems and मेरे ख्याल में वो लड़का गया है हमारा इसको देखने के लिए जो IT वाले हैं कि क्या वजह थी but देखते हैं अगर ये चल गया otherwise हम फिर दोबारा इसको refresh कर लेंगे जी ठीक है शुरू करें चलता रहे नेक्स्ट राउंड तो सबके जी जी सबके इंट्रोडक्शन हो गए हैं तो पिशावर से मदान से और एप्टाबाद से तशरीफ लाने का शुक्रिया आई थिंक एहसन साहब आप बताइए व्हेन यू स्टार्टेड योर कंपनी आपको क्या-क्या मुश्किलात पेश आईं या किस तरह आप आपने जो मॉडल है वो डेवलप किया कि आप सरवाइव कर सकें तो थोड़ा हमसे शेयर करें इसके बाद हम जो है बाद में डिस्कस कर लेंगे इंडिविजुअली क्वेश्चन एट द एंड रख लेते हैं Assalamu alaikum ji thank you very much I've started my